हेलो एवरीवन, मैं हूं दीपा सैनी। आपका मेरे चैनल ब्लॉगर दीपा सैनी में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी जानते हैं कि इस समय पूरी दुनिया पर कोरोना का संकट छाया हुआ है, और इस कोरोना महामारी के समय में अगर किसी चीज़ पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है तो वो है हमारी इम्यूनिटी पावर। उसे कैसे बढ़ाया जाए, और आयुर्वेदिक काढ़ा हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। यहाँ तक कि आयुष मंत्रालय ने भी इस काढ़े का सेवन करने की सलाह दी है, और इससे हमारी इम्यूनिटी बूस्ट होती है। इसे इम्यूनिटी बूस्टर भी कहा जाता है। चलिए फ्रेंड, आज बनाने वाले हैं हम आयुर्वेदिक काढ़ा। फ्रेंड, काढ़ा हम 3 लोगों के लिए बनाएंगे। उसके लिए हम लेंगे 1 चम्मच अजवाइन, थोड़ा सा हमने अदरक ले लिया है, 2 बड़ी इलायची, दालचीनी, 10 हमने काली मिर्च ली है, 4 लौंग, नींबू, और ये फ्रेंड हमने ग्लोए लिया है। ग्लोए को बिल्कुल अवॉइड ना करें, ये हमारी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है। और एक डली हमने गुड़ की ली है, क्योंकि यहाँ पर हम 2 प्रकार का काढ़ा बनाएंगे, एक नमकीन और एक मीठा। अब इन सभी मसालों को हम एक मूसल से कूट लेंगे, बारीक कर लेंगे। गुड़ को छोड़कर सभी मसाले हम कूट लेंगे, ग्लोए को भी डालकर इसमें कूट लेंगे। अब हम लेंगे 3 ग्लास पानी, क्योंकि हमें 3 लोगों के लिए बनाना है काढ़ा। और फ्रेंड, इसे पानी को गर्म कर लेंगे। गर्म करने के बाद वे सभी मसाले जो हमने कूटे थे इसमें डाल देंगे। अब मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। काढ़े को हमें कम से कम 10 मिनट पकाना है मीडियम फ्लेम पर। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 स्पून से कम हल्दी, क्योंकि हल्दी से भी हमारी इम्यूनिटी पावर बूस्ट होती है। और इसे मीडियम फ्लेम पर पकाते रहेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे सिंधा नमक 1 स्पून। और फ्रेंड, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो इसमें है इंग्रेडिएंट्स, वो है तुलसी लीव्स। तुलसी लीव्स भी हमने 4-5 तुलसी लीव्स लेकर बीच में से तोड़ के डालेंगे। हमने काढ़ा बनाने के लिए 3 ग्लास पानी लिया था। काढ़े को जब तक पकाएंगे जब तक उसका हाफ नहीं हो जाता। देखिए, काढ़ा पक गया है। हमने तुलसी लास्ट में इसलिए डाली क्योंकि उसकी जो खुशबू थी ज़्यादा पकने से वो ख़त्म हो जाती, इसलिए हमने लास्ट में डाली है। थोड़ा सा और पकाएंगे काढ़े को, उसके बाद हमारा काढ़ा तैयार हो जाएगा। इसमें से आधा काढ़ा हम निकाल लेंगे नमकीन, जिसमें हम डालेंगे लेमन। ये हमारा काढ़ा शुगर पेशेंट के लिए तैयार हो जाएगा। आधे काढ़े को हम अलग निकाल देंगे, क्योंकि इसे हम बनाएंगे नमकीन काढ़ा। इसमें हम डालेंगे नींबू का रस, ये भी काढ़ा पीने में बहुत अच्छा लगता है। इसमें हम डाल देंगे नींबू का रस। ये काढ़ा हमारा बनकर तैयार हो गया है। और फ्रेंड, ये आप शुगर पेशेंट को दे सकते हैं, क्योंकि इसमें मीठा बिल्कुल नहीं है। और अब इसमें डालेंगे हम गुड़, और इसे हम 1 मिनट और पकाएंगे। देखिए, काढ़े में गुड़ अच्छे से मिक्स हो गया है। अब ये हमारा मीठा काढ़ा तैयार हो गया है, इसे हम सर्व कर देते हैं। फ्रेंड, देखिए, इसका कलर थोड़ा डार्क है, क्योंकि इसमें हमने गुड़ डाला था, इसलिए इसका कलर थोड़ा डार्क हो गया। और पीने में दोनों ही काढ़ों का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, मीठा भी बहुत अच्छा लगता है और नमकीन भी। अब हम सर्व कर देते हैं नमकीन काढ़ा। इसका कलर थोड़ा लाइट है, क्योंकि इसमें हमने नींबू डाला है। फ्रेंड, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।